स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट्थ के बीजी व्यंजक व सार्वसमिकाय चैप्टर सिक्स के अंतर्गत लेक्चर टू में आएंगे। और आज 6.1 जो पिछली कक्षा में हमने बात की थी उसके रिमेनिंग पार्ट्स को, शेष भाग को आज पूरा करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। तो हम लोगों ने जैसा कि कल बात किया था, वो क्लास एट्थ के 6.1 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1-4 आप लोग कर चुके होंगे और उसमें सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो भी आप कवर कर चुके होंगे। तो आते हैं, आज आगे बढ़ते हैं और आज इस कक्षा में हम लोग 6.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। तो हम सब तैयार हो जाएं, कदम बढ़ाते हैं आगे की ओर। और शेष भाग जो इस चैप्टर का रह गया है, वो मैंने जैसा कि कल कहा था कि ये दो चीज रह गया था, बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों पार्ट्स पर हम बात करेंगे आज, एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बीजी व्यंजकों का। तो इसमें दो जो शेष भाग है उसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम एडिशन में आएंगे तो एडिशन में कोई भी बीजी व्यंजक, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन का हम, और 2x+3 एवं 5x-9, इन दोनों पार्ट्स को यदि जोड़ना है तो हम लोग पहले सिंपली इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम आसानी से एकदम नीचे क्लास लेवल पे, जैसे 3/4 या 1/2 में हम लोग जोड़ सीखते थे, ऊपर नीचे लिख के जोड़ते हैं, तो वैसे इसी ऊपर नीचे हम सेटअप करते हैं। 2x+3 और 5x-9, ध्यान ये रखना है कि एडिशन में जब भी जोड़ की क्रिया करेंगे तो इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है और दिए गए चिन्हों के हिसाब से हम काम करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि बाएं साइड में जहाँ कोई चिन्ह शो नहीं हो रहा है, जहाँ दिख नहीं रहा है, वहाँ प्लस चिन्ह छिपा होता है। और हम लोग इसमें बीजीय व्यंजकों के जोड़ में थोड़ा उल्टी दिशा में काम करते हैं, बाएं से दाएं ओर चलते हैं, जबकि नीचे क्लास 3-4 में हम लोग जो जोड़ बनाया करते थे उसमें दाहिने से बाईं ओर चलते थे। इसमें पूरा पूरा टर्म जुड़ता है। तो हम देखेंगे कि बाईं साइड में यहाँ 2x है और यहाँ 5x है, तो 2x और 5x का साइन क्या है? 2x का साइन प्लस, 5x का भी साइन प्लस, जो छिपा हुआ था प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। तो प्लस 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 जब होता है तो हमें ऐड करना ऐसे है, 2x और 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x, 7x। और इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस जब जुड़ता है तो चिन्ह प्लस ही रहता है, और प्लस एकदम लेफ्ट साइड में नहीं मिलेंगे तो चलेगा, दे भी लेंगे तो हर्जा नहीं है। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है इस व्यंजक का 3 है जिसका चिन्ह प्लस है, और नीचे वाले व्यंजक का सेकेंड टर्म है 9 जिसका चिन्ह माइनस है। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस रिजल्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे ये तय करना है। तय ये करना है कि जब दोनों का रिजल्टिंग माइनस आ रहा है तो हम घटाओ की क्रिया करेंगे, और घटाएंगे तो 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो हम 9 से 3 घटाएंगे, 6 बचेगा। केवल ध्यान ये रखना है कि हम जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह रखते हैं। तो 9 से घटाए तो 9 का चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस, ये हमारा रिजल्ट आ गया 7x-6, इट इज माइनस। बट यदि इसी क्वेश्चन को हम घटाओ की क्रिया करते तब क्या होता? ये हम लोग ऐड कर रहे थे। अब हम सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? फिर हम इसी को देखते हैं, वही नीचे क्लास का प्रोसेस ऊपर नीचे लिखते हैं, 2x+3 और 5x-9। अब हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा हट के लाइन देंगे, और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्शन का वर्क होता है, जब भी घटाओ की क्रिया हमें करनी है, तो नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। ये हम लोग छोटे क्लास में भी जो बनाते थे, मान ले जाए कि 23 में हम 15 घटा रहे हैं, तो इसमें दोनों का चिन्ह प्लस होता था। हम लोग ये व्यवहारिक तौर पर वहाँ करते नहीं थे, लेकिन ये करना अंडरस्टूड होता था कि जब तक 23 में से 15 घटा देते तो हम 8 लिख देते थे, लेकिन यहाँ चिन्ह वास्तव में बदलना है नीचे वाले का, ये चिन्ह डेड हो जाता है। अब प्लस माइनस माइनस, तभी घटाओ की क्रिया होती है। 3 में से 5 नहीं गया, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। तो इस प्रकार 8 बचता है। यहाँ पर भी चिन्ह बदलना तो होता था, लेकिन हम लोग वहाँ पर
केवल माइनस का चिन्ह देते थे ऊपर का चिन्ह, पर विशेष बात नहीं करते, नीचे क्लास के बच्चों में यहाँ प्लस माइनस का विशेष कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर हमें द्विजीय व्यंजकों में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो नीचे वाले का साइन बिल्कुल बदल जाता है, ऊपर वाले के साइन में कोई परिवर्तन नहीं करनी है, कोई चर्चा नहीं करना है। तो हम देखेंगे इसमें अपनी चिन्ह छिपा हुआ जो दोनों का प्लस प्लस, तो प्लस नीचे वाला है इसका चिन्ह बदल के माइनस, ऊपर के आपसे में कोई मतलब नहीं है, हमें केवल नीचे वाले का साइन चेंज करना है। अब नीचे माइनस नाइन है तो ये बदल के प्लस हो जाएगा, और ये जिसका चिन्ह बदले वो अब खत्म हो गया, वो मर चुका है, डेड हो गया है। अब हमारा फंक्शनल जो चिन्ह है वो ऊपर वाला है और जो बदल कर आया है, सो इन्हीं दोनों के आधार पर हम आगे की संक्रिया करेंगे, आगे का कार्य करेंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ प्लस चिन्ह और यहाँ माइनस चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट आ रहा है माइनस तो घटाएंगे, रिजल्ट आएगा प्लस तो जोड़ेंगे, घटाओ में भी। तो प्लस माइनस माइनस घटाओ के रिजल्ट आ रहा है, तो माइनस आ रहा है इसलिए घटाएंगे, तो 2x में से 5x नहीं जाएगा, तो हम 5x में से 2x घटाएंगे, बचा 3x। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, जिससे घटाए, घटाए किससे, 5x से, 5x का चिन्ह अब क्या बचा हुआ है, ये प्लस तो मर चुका है, ये माइनस, तो माइनस 3x। अब फिर देखेंगे हम लोग यहाँ प्लस है, घटाओ की क्रिया करनी थी लेकिन यहाँ प्लस है, और यहाँ पर ये चिन्ह बदल कर 9 का प्लस हो चुका है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 हो रहा है, तो जोड़ेंगे 9 3 12, और इसका साइन क्या होगा, प्लस प्लस जब प्लस होता है तो चिन्ह प्लस ही रहता है, लेकिन माइनस माइनस भी प्लस होता है, वहां पर जोड़ की क्रिया तो हो जाएगी, ये दोनों माइनस होता है, इफ 3 इज माइनस एंड 9 इज ऑल्सो माइनस, यदि ऐसा होता तो हम लोग सपोज करें ऐसा, देखिए माइनस 3 और माइनस 9 चिन्ह बदल के आया हुआ है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 तो होगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, क्योंकि कर्जा 3 ऋण है, ये कर्ज है, और 9 रुपये और कर्ज लिए तो कर्ज तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो कर्ज ही रहेगा, यानी वो निगेटिव ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ इस दोनों एग्जाम्पल को आप सब बच्चे बिल्कुल बढ़िया से समझ चुके होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत यदि हो तो स्पष्ट करेंगे, और हमारी इस दोनों एग्जाम्पल को समझ लेने के बाद आप इसे नोट डाउन कर लें, नोट कर लें, और हम आगे का क्वेश्चन इसी से आधारित बना पाएंगे। हम देखते हैं कि कल जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था 6.1 में, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6.1 हमारे सामने है, इसका क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल आंसर लिखना है, लेकिन हमको तो रफ में करना होगा तभी हम सही आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है 5 का, ए है, ए में एक्स माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल, योगफल खाली जगह है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ करके यहां भर देना है, तो हम रफ में ही काम कर सकते हैं, x माइनस 3 और 12 प्लस 2x, हम इसको 2x प्लस 12 भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको x के सामने x लिखने में सुविधा होगी, तो हम 12 को दाहिने करते 2x को इधर करते, कोई साइड चेंजिंग नहीं है, अपने ही साइड में केवल आगे पीछे करना, जैसे 2 जोड़ 3 को हम 3 जोड़ 2 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 12। अब देखिए करना क्या है, योगफल यानी जोड़ने की क्रिया करनी है, और जोड़ने की क्रिया में हम जस्ट बताए थे कि कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, गुड, तो जब चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ कुछ नहीं माने एक है, तो 2 और 1 3x, और ये प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो घटेगा, घटाने की क्रिया होगी, तो 3 में से 12 नहीं जाएगा, तो 12 से 3 घटाएंगे, और 12 से 3 घटाएंगे तो जाहिर है कितना बचेगा 9, और उसका चिन्ह बताया आप लोग किससे घटाया है, 12 से, और 12 का चिन्ह प्लस है, तो ये हमारा आंसर हुआ, यानी यहाँ फिलअप होगा 3x प्लस 9, इट इज योर आंसर, कोई दिक्कत। तो ये 3 क्वेश्चन है, दोनों आप शेष बना लेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बस 2 मिनट में हम लोग बहुत क्लियर कर लेंगे, आसानी से बना सकेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 में देखेंगे क्या कहता है। 6 में है, निम्नलिखित को जोड़ें, क्या करें, जोड़े यानी ऐड करना है आपको,
क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं सिक्स का ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए है टू माइनस ए, फिर है एक्स प्लस थ्री और थ्री एक्स। एक चीज और जान लेना है कि जोड़ या घटाओ, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था कि जोड़ और घटाओ केवल सजातीय में होता है, एक जाति में होता है। जैसे हम लोग बात करें थोड़ा सा, दो गाय प्लस तीन भैंस कितना होगा, इसका आंसर कोई बताए? दो गाय प्लस तीन भैंस जोड़ेंगे तो कितना होगा, पांच गाय पांच भैंस। गलत। तो इसका पांच न गाय हो सकती है, भैंस तो गाय नहीं बन जाएगी, या गाय भैंस नहीं बन जाएगी, यानी ये दोनों दो जाति के हैं, इसलिए इसमें जोड़ होगा ही नहीं। इसका आंसर यही रहेगा, दो गाय प्लस तीन भैंस, यानी ये दोनों विजातीय हैं, दोनों अलग अलग जाति के हैं, और अलग अलग जाति में जोड़ या घटाओ की क्रिया नहीं होती है, गुणा की क्रिया हो सकती है, लेकिन जोड़ या घटाओ में केवल एक जाति में सजातीय में सेम टर्म्स वाले के साथ ही जोड़ या घटाओ की क्रिया होती है। तो हम लोग देखेंगे इसमें एक जाति के कौन कौन हैं और उसको एक साथ जोड़ लेंगे। ऐसे ऊपर नीचे भी लिख के बना सकते हैं और लाइन में ही बना सकते हैं। तो हम लोग पहले एक बार ऊपर नीचे लिख के हम बनाते हैं और लाइन में ही बनाते हैं। टू माइनस ए, एक्स प्लस तीन और थ्री एक्स, क्या है, थ्री एक्स। इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ में कोई चेंजिंग नहीं होता है चिन्ह का, ये सबके पहले प्लस चिन्ह है इधर। अब देखें इसमें एक जाति के कौन कौन है, केवल टू की जाति का थ्री है, यानी अंक अंक के साथ जोड़ या घटाओ होगा। ए की जाति का यहाँ कोई नहीं है और एक्स की जाति का थ्री एक्स है। एक एक्स मतलब वन एक्स, तो एक्स और थ्री एक्स इन दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, तो प्लस 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 तीन एक्स और एक एक्स चार एक्स, चिन्ह प्लस का रहेगा। चूंकि अभी हम बताए थे कि प्लस प्लस जब जुड़ेगा तो प्लस चिन्ह होता है और माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह माइनस रहता है, जोड़ हो जाता है। आगे देखेंगे, अब ये ए की जाति का कोई नहीं है तो ए जो करती हूँ माइनस ए लिखा जाएगा, और इसके बाद टू और थ्री इसका चिन्ह भी प्लस, बाई और चिन्ह देखना है, और ये तीन का चिन्ह भी प्लस है, तो प्लस टू और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस 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 दो तीन पांच, यानी फोर एक्स माइनस ए प्लस फाइव, ये हमारा आंसर। इसको हम लोग एक लाइन में भी कर सकते थे। दूसरी विधि से देखते हैं, इसी का ये फर्स्ट मेथड हुआ। इसका सेकेंड मेथड हम लोग यूज करते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं लिखते, नीचे क्लासेस आ गई, टू माइनस ए प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स, यही है। अब हम लोग इसको दी सिंपलाइज, टू माइनस ए प्लस एक्स प्लस थ्री, कोष तोड़ दे रहे हैं, प्लस थ्री एक्स। अब देखेंगे दिस इंप्लाइज टू के साथ थ्री जुट रहा है, ये प्लस चिन्ह यहाँ किनारे में है, प्लस 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 टू थ्री फाइव, माइनस ए के साथ और कोई नहीं है इसकी जाति का, और एक्स और तीन एक्स दोनों का चिन्ह प्लस है, तो प्लस 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 एक्स थ्री एक्स जोड़ेंगे तो वन एक्स और थ्री एक्स फोर एक्स, इट इज योर आंसर। वही चीज है, यहाँ फोर एक्स पहले आया, यहाँ फाइव पहले, लेकिन फाइव का चिन्ह प्लस है, यहाँ फाइव चिन्ह प्लस है, फोर एक्स का चिन्ह यहाँ प्लस है, फोर एक्स प्लस है, a माइनस है, टर्म आगे पीछे होता है, कोई हर्ज नहीं है, थीम वही है। तो हम लोग बना सकते हैं जोड़ को भी। और सातवां क्वेश्चन जो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, बहुत कम क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, एक मैं बता दिया हूँ, बना सकेंगे आप। ये ध्यान रखना है कि एक जाति का ही एक साथ जोड़ होगा, यदि उसकी जाति का कोई नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो आगे बढ़े, ये नोट हो चुका होगा आप सबों का, जहां आवश्यक है आप नोट करते चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लास में आप सब फिर देखेंगे इसका। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ऐसे फर्स्ट में सीधे घटाने की बात कर रहा है, सेकंड में दो को जोड़ करके तीसरे को घटाने कह रहा है। सेकंड देखिए ज्यादा समझ में आएगा, पहले आपको सेवन की बी तो ज्यादा इजी होगा। थर्ड में भी वही चीज है, थोड़ा सा परिवर्तन है, कितना घटाए कि रिजल्ट इतना आएगा, यानी रिजल्ट इतना आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि पांच में से कितना घटाएं,
रिजल्ट 2 आ जाए, तो ये 2 को ही घटा देंगे तो रिजल्ट 3 आ जाएगा, तो जितना आ जाएगा उसी को घटा देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। यानी जो रिजल्ट कह रहा है एन स्क्वायर प्राप्त हो उसी को घटा देंगे बड़े वाले टर्म में तो हमारा आंसर पहुंच जाएगा। तो हम लोग बी पर बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के योगफल में थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर को घटाइए। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और है दूसरा टर्म है और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के योगफल में क्या घटाना है, थ्री ए स्क्वायर और थ्री बी स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर को घटाएं। यही क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं बहुत ही सहज ढंग से इसको भी हम बना सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स को जोड़ देना है और उसके बाद दोनों की योग जो आएगा उसमें थर्ड टर्म को घटा देना है। तो फर्स्ट टू टर्म हमारा ये है और ये है, इन दोनों को लेते हैं पहले ऊपर नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने में जैसा कि हम सब जान चुके हैं कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, तो केवल बाईं ओर जो छिपा हुआ चिन्ह है उसको देख लेते हैं, प्लस 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 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, राइट, ये दोनों का पावर दो है लेकिन लेफ्ट साइड में कितना गुणांक है इसका, वन, इसका भी वन, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ते हैं तो वन वन जुड़ जाएगा और टर्म जो का त्यों रहता है यानी टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो टू ए बी माइनस और टू ए बी प्लस दोनों प्लस माइनस माइनस रिजल्ट आ रहा है, यानी ये दोनों कट जाएगा, ये समाप्त हो जा रहा है, टू ए बी में से टू ए बी जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और प्लस 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 बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये भी यहाँ वन वन छिपा हुआ है टू बी स्क्वायर। अब इस जो रिजल्ट हमारा आया है इसमें से इसको घटाना है, किसको घटाना है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को। अब घटाना है तो घटाओ में हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन बदलते हैं, यहाँ नीचे कितना है प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ प्लस 2a स्क्वायर, तो निचला साइन बदल देते हैं, ये साइन डेड हो गया, फिर यहाँ पर इसका साइन बदल के माइनस, जो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो पहले से जो साइन है वो डेड हो जाता है। अब हमारा ऊपर वाला और जो चेंज्ड साइन है, जो बदला हुआ साइन है, इन दोनों को हम देखेंगे, तो बदले हुए साइन को और ऊपर वाले साइन के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी घटाओ की क्रिया होगी, टू ए स्क्वायर में से थ्री ए स्क्वायर को घटाना है तो कितना बचेगा, टू में से थ्री नहीं जाएगा, थ्री ए स्क्वायर में से टू ए स्क्वायर घटाएंगे तो एक ए स्क्वायर बचेगा, एक लिखते नहीं है यानी ए स्क्वायर, लेकिन चिन्ह क्या होगा, जिससे घटाए घटाए किससे, थ्री ए स्क्वायर से, तो थ्री ए स्क्वायर से जब घटाए हैं तो इसका साइन कौन है, प्लस है या माइनस है, माइनस है, जो बदल के आया ये तो ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो माइनस ए स्क्वायर, और फिर उसी तरह से यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, टू बी स्क्वायर में से थ्री बी, थ्री बी स्क्वायर घटाना है तो नहीं घटेगा, तो थ्री बी स्क्वायर में से टू बी स्क्वायर घटाएंगे तो थ्री में से टू जाएगा, तो एक एक लिखते नहीं, ओनली बी स्क्वायर, और इसका भी चिन्ह जिससे घटाए यानी माइनस, इस तरह से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आता है और यही हमारा आंसर है। तो छात्रों आज हम लोग इस तरह से क्वेश्चन 5, 6, 7 जो शेष क्वेश्चन रह गया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में, वो से हम लोगों ने पूरा किया, और इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, केवल सिंपली हमें जोड़ और घटाओ, जो सामान्य जोड़ घटाओ बनाया करते थे हम लोग निश्चित कक्षाओं से, उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। ये बदला हुआ रूप में क्या है, बीजीय व्यंजकों का, x के टर्म में, a के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में, समथिंग एलिमेंट कोई भी टर्म में हमें जोड़ या घटाओ की क्रिया करनी थी, और वो हम लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। केवल दो बातें ध्यान रखनी है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, एक की जोड़ या घटाओ की क्रिया केवल सजातीय पदों में होती है, जैसे गाय में भैंस मैंने बताया कि नहीं जोड़ा जा सकता है, लड्डू के साथ पेड़ा नहीं जोड़ा जा सकता है, लड़का के साथ लड़की को नहीं जोड़ा जा सकता है, तो इस तरह से जोड़ या घटाओ की क्रिया केवल सजातीय पदों में होती है, ठीक है। दूसरा चीज
एडिशन में यानी जोड़ में नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, नीचे वाले का है ना, नीचे वाले टर्म का, पद का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, बस उसके बाद बदले हुए साइन से और ऊपर वाले साइन को तुलना करते हुए हम क्रिया करते हैं। एडिशन इस बिना साइन चेंज किए जो साइन गिवन है, जो दिया हुआ साइन है, उसके आधार पर कार्य करते हैं और बिल्कुल सटीक और सही उत्तर पर पहुंचते हैं। तो कैसा लगा क्लास, ही आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई और हम लोग आराम से आज 5, 6, 7 इस चैप्टर का जो 3 क्वेश्चन था बैलेंस, वो सब बना सकेंगे। तो आप सभी इसे अवश्य बना लें और ये मेरा चैनल जिस पर ये आपको वीडियो दिख रहा है, उस चैनल का नाम आपको पता हो चुका होगा है ना, विजन NDVP। आप इस चैनल को, यदि आप को ये मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप अवश्य ही इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल ऑफ यू बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।